नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं खबर भारत न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। श्री शारदा माँ होटल मोहगांव मलाजखंड में 16 अक्टूबर की रात्रि करीब 2:30 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। वर्षों पुराना मोहगांव का यह होटल जलकर राख हो गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। होटल संचालक श्री भोला प्रसाद जमधारिया ने बताया कि आधी रात को घटना के बारे में पता चला तो तुरंत ही नगरपालिका फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसमें 1.5 घंटे देरी से फायर ब्रिगेड आने तक होटल जल चुका था, जिसमें उनके द्वारा नगरपालिका के कर्मचारियों की लापरवाही एवं बिजली विभाग की लापरवाही के कारण उनकी दुकान जल गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि बिजली विभाग को पूर्व में भी लटकते तार के गुच्छे की स्पार्किंग होने की शिकायत बताई गई, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, जिसके कारण उनका पूरा होटल जल गया है। मलाजखंड मोहगांव से सुभाष देशराज की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबर भारत न्यूज, सच्चाई का दर्पण।